फ्रेंड्स, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और मैं अपने वादे के मुताबिक आज मैं उसका सॉल्यूशन डालने वाला हूँ, उस बीम का टाइप 2। ठीक है, तो उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, ये मेरा चैनल है, आप सब जानते ही हो, लर्निंग टेक्नोलॉजी। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ठीक है, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे छूट ना जाए। और ये मेरा वेबसाइट है www.learningtechnologyofficial.com। यहाँ पे विजिट करके भी आप जो जो मैं वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ उसका सारा डॉक्यूमेंट्स मैं अपने वेबसाइट पे डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा वेबसाइट है और ये मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख पाए। ठीक है, अपने तक ही मत रखो नॉलेज को, नॉलेज को बढ़ाओ। मेरा एक ही मकसद है, सिविल इंजीनियर के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं तैयार कर दूँ यूट्यूब पे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। सो मेरा एम को मैं तभी पूरा कर सकता हूँ अगर आप लोग मुझे साथ दोगे। तो जितना हो सके मेरे इस चैनल को फैलाओ, ताकि सब कोई सीख पाए यहाँ से न्यू न्यू थिंग्स। ठीक है, तो चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ये है वो प्रॉब्लम जो मैंने बोला था कि आप लोग पहले खुद से बनाओ, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद ही बिलीव नहीं कर रहा था कि मुझे इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लगभग 300 से 350 मेल ऐसा था जो बंदे ने सब कोई करके इसका सॉल्यूशन मुझे भेजा, और अप्रॉक्स मैंने लगभग सभी चेक किया, लगभग 200 से 250 बंदे सब सही किए थे। ठीक है, देखिए, थोड़ा पॉइंट का इधर उधर अगर आंसर होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रॉन्ग है। ठीक है, अगर मैं 100 लड़के को बोलूँ इसका BBS करने के लिए, तो हर एक का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोग गलत कर रहे हैं। और ओरिजिनली मैं सच बोलूँ तो साइट पे बेंड डिडक्शन कोई पकड़ता ही नहीं है। ठीक है, उतना प्रिसाइज कोई नहीं करता है। मैं यहाँ सिखा रहा हूँ इसलिए प्रिसाइजली आप लोग को बताता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा इतने बंदे, इतने लड़कों ने सब सही किया। ठीक है, चलो अब मैं आंसर बताता हूँ, आप लोग मिला लेना। तो मैं फिर से बार इसको रिकैप कर दूँ। ये है मेरा बीम, जिसका स्पैन कितना है, 6 मीटर प्लस 6 मीटर, दो बीम है। ठीक है, ये कलम है मेरा, कॉलम, और ये बीम। बीम का बॉटम लेयर में, बीम का बॉटम बार, ठीक है, देख रहे हैं बीम का बॉटम बार। इसका फर्स्ट लेयर का डाया कितना है, 32, यहाँ पे देख सकते हैं आप। बॉटम बार का जो फर्स्ट लेयर है, ये है मेरा फर्स्ट लेयर, ये है सेकेंड लेयर। फर्स्ट लेयर कितना का है, 32 डाया का। ठीक है, और जो इसका सेकेंड लेयर है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटम एक्स्ट्रा, वो कितना का है, 25 का। तो ठीक है, ये है मेरा 25 का, और बॉटम में जो फर्स्ट लेयर में है वो 32 डाया का। टॉप में कितना का है, देखिए, टॉप में 25 डाया का है। टॉप का फर्स्ट लेयर जो है वो 25 डाया का, टॉप का जो फर्स्ट लेयर है ये वाला, वो है 25 डाया का। और EOS बार, एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट, ये जो सेकेंड लेयर में दिया गया है, उसका डाया कितना है देख लेते हैं, 25 डाया। ठीक है, इसका अगर हम एक सेक्शन काटें, सपोज यहाँ से मैं अगर वो सेक्शन को काटूं ए ए, तो ये सेक्शन कैसा दिखेगा, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, सेक्शन ए ए, ये देख लीजिए। ये बीम कितना बाई कितना का है, 300 बाई 600 का बीम है। क्लियर कवर कितना है, 30। ये है स्टीरअप मेरा, ये बॉटम का फर्स्ट लेयर का बार जो कि 32 mm का है, ये है सेकेंड लेयर का बार जो कि 25 mm का है, ये टॉप बार का फर्स्ट लेयर है जिसका डाया कितना है, 25, और ये है EOS बार जिसका डाया है 25। ठीक है, तो ये एक सेक्शन है, समझा दिया। स्टीरअप कितना का यूज़ किए हैं, 8 डाया का। अब देख लीजिए, मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ 50D पकड़ा है और लैपिंग भी 50D पकड़ा है। आप लोग क्वेश्चन रेज मत करना, सर आप हमेशा यही क्यों पकड़ते हो, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है क्यों पकड़ा हूँ मैं। इसका कोई मेन रीज़न नहीं है, कितना पकड़ना है कितना नहीं, ये सब आपका ड्राइंग में दे देगा। मैं यहाँ पे एक जनरल पकड़ा हूँ। ठीक है, तो चलो
ये कलम का लेंथ कितना है? 600 mm। आप लोग एक चीज में कंफ्यूज मत हो जाना, मैं यहाँ लेंथ बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कलम का मैं ये लेंथ बोल रहा हूँ। देखो, अगर कलम का 3D व्यू ड्रॉ करें तो ये है कलम मेरा, कॉलम, ठीक है। इसे बोलते हैं हाइट, ऑलवेज इसे हाइट ही हम लोग बोलते हैं, लेंथ नहीं बोलते हैं। ये है मेरा लेंथ और ये है मेरा ब्रेथ, ठीक है, ये याद रखना। लेंथ इसे बोलते हैं, इसे लेंथ नहीं बोलते हैं कभी, इसे हाइट से डिनोट किया जाता है। लेंथ और हाइट में बहुत अंतर है। तो कितना है? 600 mm, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। पहले बताऊंगा मैं बॉटम बार, इसको यही रखता हूँ मैं, चलिए बॉटम बार, ठीक है। बॉटम बार को, बॉटम बार का फर्स्ट लेयर मैंने करके रखा है ताकि आप जल्दी से समझा दूं आपको। बॉटम बार का फर्स्ट लेयर पे आते हैं, ठीक है। अब इस ड्राइंग को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं पहले टोटल लेंथ निकालता हूँ कि कितना लगने वाला है, ठीक है। बॉटम बार का फर्स्ट लेयर का अगर लेंथ हम टोटल निकालें तो क्या क्या यह ऐड करना पड़ेगा? देखिए, ये क्लियर स्पैन जो है इसको मैंने एल पकड़ा है, ठीक है। एल कितना है मेरा? 6000 mm या 6 मीटर, मैंने सब मिलीमीटर में मैंने कन्वर्जन किया है। तो चलो, 32 डाया का है वो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एल, ठीक है, इसको मैं एल, यहाँ पे क्या है? टोटल एल। टोटल एल कहाँ से कहाँ तक? देखिए, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इसके बीच में क्या क्या आएगा? 2 एल आएगा, 1 एल ये आएगा, 1 एल ये आएगा, प्लस कॉलम जो है उसका लेंथ आएगा 600, ठीक है। तो एल पकड़े, प्लस डेवलपमेंट लेंथ, यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ एक आएगा, एक डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे आएगा, माइनस बेंड, दो बेंड माइनस करना पड़ेगा ना, ये बेंड माइनस करना पड़ेगा, प्लस लैप। देखो, हम लोग यहीं से पता चलता है 6 मीटर 6 मीटर, 12 मीटर, 12 मीटर तो एक्सीड करने वाला ही है, तो लैप तो जरूर आने वाला है, इसलिए प्लस लैप। तो ये बन गया एक फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, वो कैसे करेंगे देखते हैं। चलो, तो एल की जगह हम क्या बैठाएंगे? मैंने बताया ये टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ कितना होगा? 6 मीटर, मतलब 6000 mm, प्लस 6000 mm बैठाया मैंने, प्लस ये 600, ये 600 कॉलम का जो कॉलम जो है, ये इसका लेंथ 600, प्लस ये 6 मीटर, ठीक है, बैठा दिया। ये हो गया टोटल मेरा एल। अब डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला मैंने कितना बताया है? 50D। तो 50D ये है मेरा डाया, ठीक है। 50 इंटू डाया, डाया कितना है? 32 इंटू टू, टू क्यों? कितना डेवलपमेंट लेंथ है? एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे आएगा, इसलिए इंटू टू। माइनस बेंड, बेंड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर 90 डिग्री हो तो 2D, है ना। तो 2 इंटू डी, डाया कितना है? 32 इंटू टू, दो क्यों? एक, देखिए, एक बेंड यहाँ पे है, एक बेंड यहाँ पे है, इसलिए इंटू टू। प्लस लैप, लैप कितना आने वाला है? 1 लैप। तो 1 लैप, लैप मैंने कितना पकड़ा है? 50D, 50 इंटू डी, 32, ठीक है। इसको कैलकुलेट अगर करोगे तो आपका आएगा 17.272 मीटर, ठीक है, ये आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बार कितना होगा? 32 का बार कितना आएगा? ये देखिए, यहाँ पे एक दो दो है ना, तो फॉर टू नंबर्स, एक का इतना है तो दो का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देना, 34.544 मीटर आएगा, ठीक है। ये तो मैंने निकाला टोटल लेंथ, मतलब एक बार का टोटल लेंथ कितना आएगा? 17.272। लेकिन अगर कटिंग लेंथ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे लैप दिया है ना, मतलब जरूर रॉड को काटना पड़ेगा, तो कटिंग लेंथ निकालना पड़ेगा। वो कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा वो मैं बताता हूँ आप, ठीक है। चलो देखो, मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया है बॉटम बार को, ठीक है। लैप मैंने, बॉटम का लैप मैंने दिया है कलम जंक्शन पे, ठीक है। अब इसको मैंने ड्रॉ किया है, देखिए ऐसे, एक तो गया ऐसे और एक है
लैब जाके ऐसे जाएगा, मैंने इसको ए पकड़ा है और इसको बी पकड़ा है, ठीक है। ये वाला ए कैसे निकलेगा देखिए, ए का फॉर्मूला बैठाता हूँ मैं। एल, ये वाला जो एल है वो ऐड होगा, प्लस एल जब ऐड कर दिए तो मुझे कहाँ से कहाँ तक मिल गया, मुझे यहाँ से यहाँ तक मिल गया, ठीक है। रुकिए ब्लैक पेन से दिखाता हूँ। अगर मैं एल लिखता हूँ फॉर्मूला में तो मैं कहाँ से कहाँ तक निकाल दिया, मैं यहाँ से यहाँ तक का पकड़ लिया, कंसीडर कर लिया। प्लस एल डी जब मैं लिख दिया तो मैं कहाँ से कहाँ तक पकड़ लिया, ये एल डी पकड़ लिया। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, लेंथ ऑफ हाफ ऑफ कॉलम, मैं कॉलम के यहाँ से सेंटर लाइन एक ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। सेंटर लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये कितना होगा, मतलब समझ रहे हो, ये वाला पार्ट कितना आएगा, ये होगा कॉलम का हाफ, तो वही लिखा हूँ लेंथ ऑफ हाफ ऑफ कॉलम प्लस हाफ ऑफ लैप लेंथ। इस सेंटर लाइन से ये लैप कितना एक्सीड कर रहा है, जितना टोटल लैप है हमारा, टोटल लैप को हम लोग क्या करेंगे, हाफ इस बार में हाफ इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये जो बी है ना उसमें हाफ इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो वही मैंने किया है, एल प्लस एल डी प्लस हाफ ऑफ कॉलम लेंथ, तो हम लोग कहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक। उसके बाद लैप का हाफ को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, हाफ ऑफ लैप लेंथ। और एक चीज़ क्या करना होगा, बेंड को माइनस करना होगा, 190 का बेंड माइनस होगा इसमें, माइनस बेंड, ठीक है। बस अब वैल्यू को पुट कर दो, एल की जगह कितना आएगा, ये कितना है 6000, ठीक है 6000। एल डी कितना है 50 डी, 50 × d, डाया कितना है 32, इंटू कितना है एल डी, एक एक ही है ना, इंटू 1 प्लस लेंथ ऑफ हाफ ऑफ कॉलम, ये कितना है 600, तो ये हाफ कितना होगा 300, वही 300 मैंने लिखा है। प्लस हाफ ऑफ लैप लेंथ, लैप लेंथ कितना है 50 डी, 50 × 32 डिवाइडेड बाई 2, माइनस बेंड कितना होगा 2 डी, 2 × 30 डी, और बेंड कितना है 1 × 1, इसको कैलकुलेट करोगे तो 8.636 मीटर आएगा, ठीक है। इसी तरह बी निकाल लेना, फिर मैं बता देता हूँ जल्दी से, पूरा सेम वही एग्जैक्ट होगा, जितना ये होगा वही इक्वल वो होगा, ठीक है। तो इसी तरह से बी निकलेगा, चेक कर लेना आप। सेकेंड लेयर में आते हैं, ठीक है, सेकेंड लेयर बहुत ही ईजी है। सेकेंड लेयर आप देख सकते हो, बॉटम एक्स्ट्रा जिसे हम बोलेंगे, सेकेंड लेयर जिसे हम बोल रहे हैं बॉटम एक्स्ट्रा बार, जो कि है 25 डाया का, ठीक है। तो अब ड्राइंग में आके देखो, यहाँ पे बॉटम एक्स्ट्रा बार कहाँ से, देखिए ये मेरा क्लियर स्पैन है एल एल, ये कितना छोड़ा गया है, ये देखिए, इधर से L/7 और इधर से L/7, L/7 इधर से छोड़ेंगे, L/7 इधर से छोड़ेंगे, बीच का जितना बचेगा उसमें हम इस बॉटम बार को प्लेस करेंगे, तो ठीक है। अब देखिए तो फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल L, मैंने टोटल L पकड़ लिया, टोटल L को ले लिया, उसमें माइनस क्या करूंगा, L/7, L/7, टोटल L/7 कितना हुआ 2, तो टोटल L माइनस 2 × L/7, ठीक है। बस L का वैल्यू कितना है 6000, उसको पुट करो, आपका आंसर आएगा 4.285 मीटर, ठीक है। ये तो निकला मेरा एक का, टोटल कितना आएगा 4, देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और दो उसके साइड साइड, एक इसके साइड में, एक इसके साइड में, टोटल 4 हुआ ना, तो फॉर 4 नंबर्स मल्टीप्लाई कर दो, 17.14 मीटर आएगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं टॉप बार, ठीक है। टॉप बार का फर्स्ट लेयर, टॉप बार का फर्स्ट लेयर का डाया कितना है 25, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ। पहले मैं टोटल लेंथ निकालूंगा, उसके बाद कटिंग लेंथ दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए टोटल लेंथ कैसे होगा, यही सेम एल ऐड होगा, ये एल ऐड होगा, प्लस कॉलम का ये लेंथ ऐड होगा, एल डी ऐड होगा, समझ रहे हो ना, लैप ऐड होगा और बेंड माइनस होगा, सिंपल है, बस मैंने वही लिखा है। देखिए लेंथ मतलब टोटल लेंथ जो आएगा, ठीक है, प्लस एल डी माइनस बेंड प्लस लैपिंग, तो टोटल लेंथ कितना होगा 6000 प्लस 600 प्लस 6000 प्लस
LD कितना है 50D, 50 × D, यहाँ पे D कितना है 25 डाया, डाया कितना है 25 ना, 25 डाला इंटू टू, दो LD आएगा देखो ड्राइंग में, एक LD यहाँ पे और एक LD यहाँ पे, ठीक है। तो इंटू टू माइनस बेंड, बेंड कितना आ रहा है दो, तो टू, बेंड का फॉर्मूला क्या है 2D 90 के लिए, 90 डिग्री के लिए, 2 × D 25 × 2, दो बेंड आएगा। प्लस लैपिंग, लैपिंग कितना 50D, 50 × D कितना लैप 1 × 1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना, आपका आएगा 16.25 मीटर, और टोटल नंबर ऑफ बार कितना होगा, फॉर टू नंबर्स मल्टीप्लाई कर दो दो से, आ जाएगा 32.5, ठीक है। तो चलो अब जो 16.5 आया है वो तो एक फुल लेंथ का है 16.25, तो इतना बड़ा तो रॉड मिलता नहीं है, बार मिलता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, कटिंग लेंथ निकालेंगे इसका। तो चलो कट, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप चेक कीजिए, ठीक है। ये टॉप का बार है, इसका लैप मैंने दिया है, टॉप बार का जो लैप है वो मैं बीम के सेंटर में दिया हूँ, हाफ ऑफ बांटा हूँ हाफ। अगर सपोज 1 मीटर टोटल लैप है तो 500 ए वाले में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और 500 बी वाले में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पे दो पार्ट में लिया है, इधर वाले को ए पकड़ा है और इधर वाले को बी पकड़ा है। चलो पहले ए निकाल लेते हैं, ठीक है। ए का फॉर्मूला क्या बनेगा अगर हम निकालेंगे, तो पहले तो एल ऐड होगा, ठीक है। एल ऐड होगा, एल ऐड होने से कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। देखिए वही चीज मैंने यहाँ पे ऐड किया है एल, ठीक है। उसके बाद एल डी ऐड होगा, एल डी भी ऐड कर दिए। उसके बाद ये टोटल कॉलम का लेंथ ऐड होगा, तो लेंथ ऑफ कॉलम लिखा है मैंने। प्लस अब क्या करना है, देखिए ये तो टोटल एल है ना, टोटल एल है क्लियर स्पैन बीम का, लेकिन मुझे कितना चाहिए, सिर्फ हाफ चाहिए। तो ये हाफ कितना है, एल बाई टू, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे एल बाई टू। प्लस लैप एल बाई टू जब ऐड किए तो हम लोग कहाँ तक आ गए, यहाँ तक। अब ये कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, लैप का हाफ, तो लैप बाई टू माइनस लैप बाई टू करने पे हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करना है, बेंड माइनस करना है, तो यहाँ पे बेंड कितना है 90 का 1, तो बेंड फॉर्मूला लिख दिया हूँ, बस वैल्यू पुट कर दो। एल कितना होगा 6000, एल डी होगा 50 डी, 50 डी, 50 × D कितना है 25 × 1, एक ही एल डी है ना इधर, बस इंटू वन। प्लस लेंथ ऑफ कॉलम 600, प्लस एल बाई टू, एल बाई टू क्या था, बीम का हाफ क्लियर स्पैन, जो कि है 6000/2 कर देंगे। प्लस लैप का हाफ 50 × D लैप बाई टू, माइनस बेंड कितना होगा 2D, 2D कितना है 1, इसलिए 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 11.425 मीटर, ठीक है। सिर्फ ए निकाल के ही हम डायरेक्ट बी निकाल सकते थे, हम लोग को पता है टोटल कितना है 16.25। अगर इसमें डायरेक्ट मैं अगर ए को माइनस कर देता तो मेरा बी निकल जाता, बट फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बी कैसे निकलेगा, अगर आप बी निकालेंगे तो बी का फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ फॉर्मूला कोई फिक्स नहीं है, हम लोग को बनाना पड़ेगा जैसा सिचुएशन आएगा। तो बी का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए बी के लिए ये पार्ट एल बाई टू चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये एल बाई टू अगर ले लेंगे तो हम कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक, वही मैंने लिखा एल बाई टू। उसके बाद एल डी ऐड कर दो, एल डी ऐड कर दो, प्लस ये कितना है लैप का आधा, लैप बाई टू, माइनस बेंड, ये बेंड को माइनस करना है, बस वैल्यू पुट कर दो। अब एल कितना है 6000/2, प्लस एल डी कितना होगा 50 डी, एक ही एल डी है 1, प्लस लैप बाई टू माइनस बेंड, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो 4.825 आएगा, ठीक है। तो ये ए बी का कटिंग लेंथ हमने निकाल दिया। अब आते हैं हम सेकेंड लेयर में, जिसको बोलते हैं ई ओ एस बार। ये इंटरव्यू का अच्छा क्वेश्चन है, ई ओ एस बार किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ओवर सपोर्ट इसका फुल फॉर्म है। अब चलो इधर मैंने ड्रॉ किया है सेकेंड लेयर को, ठीक है। इसके लिए मुझे पहले चाहिए, ऊपर मैंने बता दिया था एल बाई थ्री डिवीजन कर लेना, उसके बाद ई ओ एस बार को सेट करना, एल बाई थ्री प्लस एल डी।
एल बाई थ्री प्लस एल बाई थ्री प्लस कॉलम का लेंथ, और इधर सेम ये ए जो है मैंने क्या किया है, इसको ए पकड़ा है, ये अगर ए है तो ये भी ए है, सेम है मेरा ना, कलम का लेंथ सेम है, बीम का क्लियर स्पेन सेम है, तो ये भी सेम आएगा, और इसे मैंने बी पकड़ा है। तो चलो पहले मैं ए निकालता हूँ, तो ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये लेंथ कितना है मेरा, एल बाई थ्री, मैंने लिखा यहाँ पे एल बाई थ्री प्लस ये कितना है एल डी, तो ये कितना है एल डी लिखा, और क्या करना होगा, एक बेंड माइनस करना होगा, तो माइनस बेंड, ठीक है। एल बाई थ्री कितना होगा 6000 बाई थ्री, प्लस एल डी कितना है 50 इंटू डी, माइनस बेंड कितना होगा 2D, कितना होगा एक ही ठो 2D, और कितना नंबर वन एक ही है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.2 मीटर आएगा। अब देखना है टोटल नंबर ऑफ कितना ये ए वाला पार्ट आ रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे और एक इसके साइड में आएगा एक इसके साइड में आएगा, टोटल चार आएगा, ठीक है। तो चार के लिए कितना आएगा 3.2 इंटू 4, 12.8 मीटर। बी निकाल लेते हैं, बी बहुत ईजी है, बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉलम का ये लेंथ जो कि है 600 मिलीमीटर, ठीक है, कॉलम लेंथ प्लस एल बाई थ्री इधर से एल बाई थ्री इधर से, 2 एल बाई थ्री, तो प्लस प्लस 2 इंटू एल बाई थ्री, ठीक है, कॉलम लेंथ का जगह 600 प्लस 2 इंटू एल बाई थ्री कर दो, वैल्यू निकलेगा 4.6 मीटर। टोटल कितना आएगा, एक ये और एक इसके पास में, मतलब दो, तो दो का कितना आएगा 9.2 मीटर। तो ये हुआ मेरा टॉप बार, अब आता हूँ स्टीरअप पे, तो अब बताता हूँ स्टीरअप पे। स्टीरअप बताने से पहले एक चीज बता दूँ, इस टाइप के बीम में स्टीरअप में जोन होता है, आपको मैंने बताया था पहले भी, अभी बता दे रहा हूँ, जोन 1 और जोन 2, ठीक है। ये जोन भी एल बाई थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, जोन 1 में, ये जो जोन 1 है, इस जोन में स्टीरअप का स्पेसिंग जो है वो ऑलवेज क्लोज होता है जोन 2 के कंपैरिजन में, जोन 2 का अगर 150 है तो जोन 1 का क्लोजर होगा 100, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बताया है स्टीरअप 8 ड्रायर का 100 150 100, इसका मतलब क्या है, 100 100 जो इधर तक लिखा हुआ है ये है जोन 1 का, ये भी जोन 1 का, और ये है जोन 2 का जो कि मिडिल में है, ठीक है, मिडिल, और ये है राइट, ये है लेफ्ट, ठीक है, समझ गए, ये समझ गए। अब चलो आते हैं यहाँ पे, एल बाई थ्री को मैं अगर करूँगा तो कितना आएगा, 6000 बाई थ्री आएगा 2000 mm, मतलब ये लेंथ कितना है 2 मीटर, ठीक है, अगर ये 6 मीटर है तो इसका थर्ड पार्ट यहाँ पे 2 मीटर आएगा, मतलब 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक पार्ट में कितना स्टीरअप बैठता है जोन 1 में वो निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो चलो नंबर ऑफ स्टीरअप्स इन जोन 1, ठीक है, सारा जोन 1 का मैं एक का निकालूंगा, टोटल जोन 1 कितना है, 1 2 3 4 × 4 कर दूंगा तो निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टीरअप का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, लेंथ बाई स्पेसिंग प्लस 1, ठीक है, लेंथ कितना यहाँ पे हम पकड़ेंगे, हम लोग सिर्फ जोन 1 के लिए निकाल रहे हैं ना, तो जोन 1 कितना है 2 मीटर, वही 2000 मिलीमीटर मैंने लिखा यहाँ पे, बाई स्पेसिंग कितना है जोन 1 का 100, सेंटर टू सेंटर, तो बाई 100 प्लस 1, इसे अगर निकालेंगे काट के 20 प्लस 1, 21 नंबर्स आएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरअप्स फॉर जोन 1 कितना होगा, 21 × 4, टोटल जोन 1 कितना है, 1 2 3 4, इसलिए 4, तो कितना आएगा 84 नंबर। अब आते हैं नंबर ऑफ स्टीरअप्स इन जोन 2, जोन 2 जो बीच में है वो अब निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या यहाँ पे आएगा, लेंथ बाई स्पेसिंग -1, मैं यहाँ पे प्लस किया यहाँ पे माइनस किया, ये क्यों ऐसा हो रहा है मैं जरूर बताऊंगा, अभी मैं एक प्रूफ करके दिखाऊंगा, लेकिन स्पेसिंग निकालने का मतलब नंबर ऑफ स्टीरअप निकालने का फॉर्मूला यही है +1 करके, यहाँ मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ ऐसे कंडीशन में, मैं अभी प्रूफ करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो -1 कर देना, लेंथ कितना होगा 2000, स्पेसिंग चेंज हो जाएगा जस्ट 150, जोन 2 के लिए है 150, -1, अब आएगा 12 नंबर्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरअप्स फॉर जोन 2, 12 × 2, टोटल जोन 2 कितना है, एक यहाँ 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए आ गया 24,
ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टिरअप्स कितना हुआ, जोन वन और जोन टू मिला के 84 + 24 टोटल आएगा 108 नंबर्स। ठीक है, चलो अब एक का लेंथ निकाल लेते हैं स्टीरअप का। स्टीरअप को भी यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह है मेरा स्टीरअप, मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ किया है। यह है मेरा बीम, बीम का विथ है मेरा 300 मिलीमीटर और यह है डेप्थ है 600 मिलीमीटर। इसको मैंने स्टीरअप का सेंटर टू सेंटर कितना पकड़ा है ए, और इस वे में सेंटर टू सेंटर मैंने पकड़ा है बी। ठीक है, तो पहले ए निकालता हूं मैं। ए कैसे निकलेगा, टोटल पता है मुझे 300, इधर से कवर माइनस, इधर से कवर माइनस, और मुझे सेंटर में जाने के लिए डाया हाफ इधर से माइनस करना होगा, हाफ इधर से माइनस करना होगा। ठीक है, मैंने वही चीज किया है। यहाँ पे देखिए ए कैसे निकाला है मैंने, 300। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 300, 300 लिखा, माइनस 2 * क्लियर कवर। ठीक है, इधर से कवर माइनस होगा और इधर से कवर माइनस होगा, माइनस 2 * हाफ ऑफ डाया, हाफ डाया इधर से माइनस होगा, हाफ डाया इधर से माइनस होगा। तो बस वैल्यू पुट कर दो, 300 माइनस 2 * क्लियर कवर कितना है, 30 मैंने पकड़ा है, माइनस हाफ ऑफ डाया कितना है, डाया कितना है इसका 8, तो हाफ ऑफ डाया कितना होगा 4, 2 * 4 तो ये आएगा 232। और इस डायरेक्शन में बी अगर हम निकालेंगे तो बी मेरा आएगा 532। ठीक है, अब कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, 2 * a + 2 * b प्लस हुक, ये जो हुक है मेरा टेंडी करके, जरूरी नहीं है कि टेंडी बढ़ भी सकता है। ठीक है, ये ड्राइंग पे डिपेंड करता है, ड्राइंग में बता देते हैं कितना देना है। तो हुक कितना है, 10D मैंने पकड़ा है यहाँ पे हुक, तो 10 * d, डाया कितना है 8 और टोटल नंबर ऑफ हुक कितना है 1 2, इसलिए 2। ठीक है, माइनस, अब देखिए आप बेंड कैसे माइनस हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कितना बेंड बन रहा है, 1 2 3। ठीक है, और 135 डिग्री का बेंड कितना बन रहा है, 2, यहाँ पे 1 2। ठीक है, इसलिए ये है मेरा 135 डिग्री के लिए हम लोग कितना करते हैं 3D और 90 डिग्री के लिए 2D, तो ये है मेरा 135 डिग्री के लिए 3D। ठीक है, 3, डाया कितना है 8 और टोटल नंबर कितना आया 2, माइनस ये है मेरा 2D 90 डिग्री के लिए बेंड, 2D, टोटल नंबर कितना है 3 * 3। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.592 मीटर। टोटल नंबर ऑफ स्टीरअप कितना हमने निकाला था, 108, तो फॉर 108 1.592 * 108 कर देंगे तो 173.593 मीटर आएगा। ठीक है, ये तो मेरा निकल गया स्टीरअप। अब मैंने बताया था कि ये मैं माइनस प्लस क्यों आ रहा है, मैं एक चीज प्रूफ के दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए एक छोटा सा बीम मैंने पकड़ा। ठीक है, ये मेरा बीम है, बीम का टोटल क्लियर स्पैन कितना है 6 मीटर। ठीक है, 6000 मिलीमीटर जो भी बोलो। स्पेसिंग थ्रू आउट मैंने पकड़ा है, स्पेसिंग मैंने थ्रू आउट कितना पकड़ा है देखो, 100 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अब चलो पहले मैं नंबर ऑफ स्टीरअप निकालता हूँ ओवरऑल में लेके। ठीक है, L/3 को भी भूल जाओ, सिर्फ अभी इस केस में आ जाओ। एक टोटल बीम है जिसका स्पेसिंग स्टीरअप का है 100 सेंटर टू सेंटर, तो इस केस में नंबर ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टीरअप कैसे निकालेंगे, लेंथ टोटल लेंथ कितना है 6000, स्पेसिंग कितना है 100 100 + 1। ठीक है, तो यहां से अगर मैं करूं तो मेरा आएगा 60 + 1 61 नंबर्स। ठीक है, अब चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको अब भूल जाता हूँ, अब मैं पार्ट पार्ट में निकालूंगा। ये आना चाहिए ना, ये मैच करना चाहिए, तभी तो प्रूफ होगा मेरा। चलो नाउ L/3 एक मैं निकाल के देखता हूँ कितना आता है। तो ये डिस्टेंस मैंने निकाला एक पार्ट का, वो आया L/3 करने पे कितना आया 2 मीटर या इतना मिलीमीटर। ठीक है, तो चलो केस ए, ये जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले किया ना, जोन ए का पहले निकालता हूँ। तो जोन ए को मैंने यहाँ पे ए पकड़ा है और इसको बी पकड़ा है। ठीक है, पहले ए का निकाल लेता हूँ। ए में मैंने तो प्लस ही किया था तो कोई चेंज नहीं होगा,
जोन ए के लिए, केस ए के लिए क्या होगा, 2000, ये 2000 है ठीक है, बाई 100, स्पेसिंग सेम रखा हूँ ठीक है, प्लस वन, अगर इसे काटूँ तो 20 प्लस 1, 21 नंबर्स आया ठीक है, तो 21 यहाँ पे आया, 21 यहाँ पे आया, टोटल कितना हुआ 42 ठीक है, टोटल कितना हुआ 42, टोटल नंबर ऑफ रिंग इन केस ए 21 × 2 42, अब टोटल कितना है 61 ठीक है, अब देखो टोटल कितना है 61, 61 में मेरा कितना निकल चुका है जोन ए में 42, 42 इसको माइनस करो तो कितना आ रहा है 19, मतलब जोन बी में मेरा 19 आना चाहिए। अब मैं एक चीज करता हूँ, चलो निकालता हूँ जोन बी का, जोन बी का ये लेंथ कितना है 2000 भाई, स्पेसिंग कितना है 100, मैंने यहाँ पे पकड़ा है सबके लिए, अगर इसमें मैं -1 करूँगा तब भी देखिएगा ये 19 मैच करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, देखो इसे काटो ठीक है, सॉरी ये 100 होगा, 2 0 यहाँ कटा, 2 0 यहाँ कटा, 20 -1 19, तभी ये मैच करेगा, 42 प्लस 19, 42 प्लस 19 कितना होता है 61, देखो तभी तो ये जाके इसके संग मैच किया, अगर ये प्लस वन मैं कर देता तो क्या हो जाता, ये 21 हो जाता, 21 प्लस 42 कभी मैच ही नहीं करेगा इसके साथ ठीक है, इसलिए ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो किसी ने मुझसे पूछा था ये क्वेश्चन, मैं इसीलिए इस चीज को आज बताया हूँ ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं सब कुछ बता पाया हूँ, और आप लोग का इंटरव्यू का डेट भी आ रहा है अप्रैल मई में, तो कंपनियां आनी शुरू हो जाती है, तो एचआर राउंड का क्वेश्चन भी बहुत कोई मांग रहे हैं मुझसे, तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं एचआर का 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वीडियो में डालूंगा ठीक है। चलो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, यह है मेरा चैनल, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और मेरे वेबसाइट को जाके आप देखिए कैसा लग रहा है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आज बताया है इसका फोटो आपको मिल जाएगा मंडे तक मेरे वेबसाइट पे ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना, आप कोशिश करना कि कंप्यूटर कोई डेस्कटॉप से उसको ओपन करके सेव करो, मोबाइल में मैं देख रहा हूँ कि छोटा छोटा बहुत दिखता है तो समझ में नहीं आता है बहुत कोई को, आप डेस्कटॉप से उसे सेव करो तो वो अच्छे क्लैरिटी में आपको दिखेगा ठीक है, और नहीं तो वीडियो चला के आप स्नैपशॉट ले सकते हो जैसे आपकी मर्जी। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, टाटा बाय बाय टेक केयर।